वाह मोदी जी वाह, ये शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना टूटता सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में उद्धव ठाकरे ने पहले ही मोदी का एक सपना तोड़ दिया और बयान देते हुए कहा था कि ये राजनीति से परे है, लेकिन अब की बार जो सपना टूटा है वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि ये भी अब मंदी की मार झेल रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी मंदी के दंश ने डस लिया है। कहानी शुरू हुई थी साल 2017 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन किया। उद्देश्य था सफ़र और संसाधन को बचाना। पहले आपको बता देते हैं कि रोरो फेरी क्या है। रोरो फेरी का फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ। जब मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी तो कहा था कि भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे अनूठी योजना है। इस योजना के जरिए भावनगर के भरूच की दूरी 310 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 31 किलोमीटर रह जाएगी। 615 करोड़ रुपए की यह योजना गुजरात के लिए पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जाती है। अब क्या हुआ ये भी बता देते हैं कि आखिर मोदी जी के सपने को मंदी ने कैसे डस लिया। हुआ ये कि रोरो फेरी को शुरू करने वाली कंपनी डीजेसी कनेक्ट ने अब अपनी आर्थिक मंदी और कंपनी की खराब माली हालत को देखते हुए रोरो फेरी सर्विस के एक जहाज को मंगलवार को बेचने के लिए रखा है। बता दें कि इस यात्रा से क्या क्या फायदे हो रहे थे और ये सर्विस क्या थी। सौराष्ट्र के भावनगर जिले में स्थित घोघा बंदरगाह से रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के जरिए भरूच जिले तक करीब एक घंटे में पहुंचा जाता। इससे गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होती। समुद्री रास्ते की बात करें तो भावनगर का घोघा दूसरी तरफ स्थित भरूच के दाहेज से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से यह सफ़र 360 किलोमीटर का था, जिसे तय करने में 8 से 9 घंटे तक लगते थे। ये भारत में अपनी तरह की पहली सेवा मानी जाती रही। इससे एक जहाज यानी फेरी पर 100 वाहन और 250 यात्री सफ़र कर सकते थे। आमतौर पर समुद्र में लंबे सफ़र पर जाने वाले जहाज़ों के लिए रोरो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रोरो फेरी के साथ अब तक दो हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें एक बार इसे खींचने वाली टंग बोट पानी में डूब गई थी, तो वहीं दूसरी बार हादसे में टंग बोट में आग लग गई थी। रोड के रास्ते घोघा से दहेज का 450 किलोमीटर का यह सफ़र आमतौर से 7 से 10 घंटे में पूरा होता है, वहीं रोरो फेरी के जरिए यह एक घंटे में पूरा होता। अब ये भी जान लीजिए कि कंपनी का क्या कहना है। तो कंपनी का कहना है कि सामान्य तौर पर जहाज को पानी में 5 मीटर की गहराई चाहिए, जबकि घोघा के समुद्री किनारे की गहराई अब सिर्फ आधे मीटर की रह गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि पानी बेहद कम है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि आने वाले समय में अगर संचालन के लिए 5 मीटर की आवश्यक गहराई नहीं मिलती है तो हम इस व्यवसाय से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। रोरो फेरी कैसे रुला रही है ये भी जान लीजिए। राज्य संचालित इकाई गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी GMB ने दहेज टर्मिनल पर अत्यधिक गाज जमा होने के कारण नौका चालन को 23 सितंबर से अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया। GMB के CEO का कहना है कि दहेज टर्मिनल पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक हम नौका चालन के लिए आवश्यक गहराई उपलब्ध करा देंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर ने यह भी कहा कि हमें नहीं मालूम है कि दहेज टर्मिनल पर स्थितियाँ कब सामान्य हो पाएंगी और हम सेवाएँ कब से शुरू कर पाएंगे। हमारे लिए बैंक को किस्तें देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों जहाज लोन पर खरीदे गए थे और सितंबर से कोई भी आय नहीं हुई है। तो देखा जाए तो रोरो फेरी कंपनी को रुला रही है और साथ ही मोदी जी के सपनों को भी ग्रहण लग गया है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।